जिसे नाइनटीन सिक्सटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस मिली थी उससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी तो फिर बात करते हैं इसके बारे में जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी रीडर और रिस्पॉन्स मतलब कि जो रीडर है उनके रिस्पॉन्स पर ये पूरी थ्योरी थी ये बेस थी कि रीडर के रिस्पॉन्स कितनी इंपॉर्टेंस हैं इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं तो इन्होंने कहा कि जो ये थ्योरी थी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इसमें जो रीडर है ये एसेंशियल है किसी भी टेक्स्ट की मीनिंग के लिए कि कोई भी टेक्स्ट है उसकी मीनिंग तब होगी जब उसमें कोई रीडर होगा कोई रीडर उसे रीड करेगा तो जो ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी थी ये क्रिटिसिज्म था अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी वर्क को जज कर रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं किस बेसिस पर कि रीडर का रिस्पॉन्स क्या था आपको उसमें रीडर के रिस्पॉन्स को भी एग्जामिन करना है उनको भी कंसिडर करना है तो ये थ्योरी थी ये फोकस करती थी कि जो रीडर या ऑडियंस है हम रीडर हैं लेकिन उस टाइम पे जो प्ले एक्ट हुआ करते थे ड्रामाज होते थे उसके लिए वो ऑडियंस होती थी बैठे जो लोग बैठ के देखते थे तो इनका फोकस था कि जो ये रीडर हैं और ये जो ऑडियंस हैं और जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ने के बाद कैसे हैं ये इस थ्योरी में था कि अगर किसी रीडर ने कोई वर्क पढ़ा है कोई लिटरेरी वर्क में ली क्योंकि अगर आप कोई साइंटिफिक वर्क पढ़ते हैं तो आपको कोई फीलिंग इमोशन कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक साइंटिफिक टर्म है उसमें रीडर के रिस्पॉन्स से कोई मतलब नहीं है जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल ही है आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हो लेकिन जब लिटरेरी टेक्स्ट की बात हो रही है तो लिटरेरी टेक्स्ट में एक मीनिंग नहीं होता है जैसे कि आपको पता ही है इसे बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं लेयर्स हो सकती हैं तो ये जो बाकी स्कूल थे उस टाइम पे जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म है या फिर स्ट्रक्चरलिज्म है ये जितने भी थे ये सब क्या बोलते थे कि जो रीडर के एक्सपीरियंस है ये उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे ये ऑथर्स की वर्क अपने आप में कंप्लीट है इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे थे उनके फॉर्म को इम्पोर्टेंस दे रहे थे लेकिन ये जो स्कूल था वो उन सबसे डिफरेंट था इसने रीडर के रिस्पॉन्स को उसके एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दी कि अगर कोई रीडर कोई वर्क को पढ़ रहा है उसको पढ़ते पढ़ते उसे कैसे एक्सपीरियंस हुआ है उसने पर्सनली इंडिविजुअल तरीके से उस वर्क से क्या मीनिंग निकाला है उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने कि, कि किसी भी टेक्स्ट का एक इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता है इनका यह मानना था कि कोई भी एक टेक्स्ट है उसका एक मीनिंग पर्टिकुलर मीनिंग नहीं हो सकता है हर एक रीडर के कुछ इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव होते हैं इंटरप्रिटेशन होती है जिससे कि बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूँ वेटिंग फॉर गोडो की तो वेटिंग फॉर गोडो जो है ये एक ऐसा प्ले है कुछ लोग इसे मीनिंगलेस बोलेंगे अगर आप इसे फर्स्ट रीडिंग करते हैं इसकी कुछ होंगे जो इसे डी टेक्निक के लिए बोलेंगे और मे भी कोई और इसे रीड करे तो वो कोई और मीनिंग भी निकाल सकता है तो ये होता है कि इंडिविजुअल रीडर्स पर डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल रीडर उस टेक्स्ट में से क्या मीनिंग निकाल सकता है ना कि ये कि ऑथर ने क्या इंटेंड किया था अगर वेटिंग फॉर गोडट की बात करें तो उसमें सब कुछ बिल्कुल सेम है पूरे प्ले में कुछ नहीं होता है बस एक ही दो लाइन का प्लॉट है वो ऑथर ने दिखाया लेकिन अब रीडर उसमें से क्या निकाल सकता है वो है रीडर का रिस्पॉन्स उस चीज़ को लेके तो इसमें इन्होंने कुछ फीचर्स है कुछ साइलेंट फीचर्स थे इस थ्योरी के इस क्रिटिसिज्म स्कूल के कि जो टेक्स्ट है और रीडर है उन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है इसमें भी रीडर की बात हुई है सेकंड था कि टेक्स्ट का रिलेशनशिप रीडर के साथ और जो रीडर है वो थर्ड पार्टी है नेक्स्ट है रियलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है रीडर्स के माइंड में ना कि ऑथर के माइंड में और जो वर्क है वो फुली क्रिएटेड है कब जब कोई जब कोई रीडर उसे अपनाएगा कोई रीडर उसे पढ़ेगा कोई भी वर्क सिर्फ तब कम्प्लीट माना जाएगा तो ये जो स्कूल था ये जो रिस्पांस थ्योरी थी रीडर रिस्पांस थ्योरी थी इनका था कि जो रोल है किसी भी रीडर का वो कैसा होना चाहिए किसी टेक्स्ट को बनाने में किसी लिटरेरी वर्क के मीनिंग को निकालने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए रीडर्स का रोल क्या होना चाहिए समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि ये जो मीनिंग होता है रीडर टू रीडर और टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है जैसे कि अगर मैं शेक्सपियर की बात करूँ तो शेक्सपियर में जिस के बारे में जिसने फोर्टीन सेंचुरी में पढ़ा उनके लिए शेक्सपियर का मतलब कुछ और था लेकिन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी और अभी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो हर एक सेंचुरी में शेक्सपियर के वर्क का मतलब कहीं ना कहीं चेंज होता गया है होता गया है तो ये होता है कि एक रीडर का रोल क्या है और जो उसके मीनिंग होते हैं किसी भी रीडर के जो इंटरप्रिटेशन होती हैं किसी भी वर्क को लेके वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाती हैं रीडर टू रीडर भी चेंज होती है क्योंकि इंडिविजुअल होती हैं। आगे वो बोलते हैं जो इनके क्रिटिक है कि अब जो रीडर है उसको एग्जामिन करने की जरूरत होती है कि उसके इमोशन क्या है उसका रिस्पांस क्या है ये सबसे मेन चीज थी इसमें क्रिटिक का ये मानना था जो ये जो क्रिटिसिज्म था हमें हम इसे एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मतलब कि डीकंस्ट्रक्शन जो कि इस बात पे जोर देता था कि रीडर का एक रोल होना चाहिए जो कि एक्टिव हो ना कि पैसिव हो इसका मतलब होता है कि रीडर को लिटरेरी वर्क जैसे आप कोई पढ़ रहा है तो उसके भी कुछ आइडियाज होते हैं ये नहीं कि जो टेक्स्ट बोल रहा है सिर्फ आपने उसे पढ़ लिया पैसिवली कि जो कोई तुम्हें दे रहा है बस तुम उसे लेते गए लेते गए आपका मेंटली कोई वर्क नहीं हो रहा है तो इन्होंने कहा कि जो रीडर है वो एक एक्टिव होना चाहिए ना कि पैसिव होना चाहिए उसका माइंड एक्टिव होना चाहिए वो कोई चीज़ पढ़ता है अगर तो उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चलनी चाहिए कि अगर ये है तो हमारे कल्चर से इस चीज़ को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं कोई और मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं कि जो रीडर है वो एक प्रोड्यूसर है ना कि कंज्यूमर है वो कोई वो पढ़ के कुछ प्रोड्यूस करेगा ना कि उस बुक को सिर्फ पढ़ेगा कंज्यूम करेगा जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म था तो न्यू क्रिटिसिज्म में मीनिंग ऑलरेडी प्रेजेंट होती थी वर्क में उनका मानना था कि जो भी मीनिंग है वो उसकी फॉर्म में उसके कंटेंट में प्रेजेंट है और हमें ना तो ऑथर से कोई मतलब है ना उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब है तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो था इसमें था कि टेक्स्ट में कोई भी मीनिंग नहीं है जब तक कि कोई रीडर उसे नहीं पढ़ लेता उसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेता एक टेक्स्ट खाली है उसमें मीनिंग तब आएगी जब कोई रीडर उसे पढ़ेगा और वो अपने दिमाग से उसमें कोई मीनिंग निकालेगा ये जो थ्योरी थी ये बहुत ही पॉपुलर थी यूएस में और जर्मनी में दो दो कंट्रीज में और इन्हीं के कुछ मेन थ्योरिस्ट थे जैसे कि स्टैंडले है स्टैनले फिश जो अमेरिकन थे और वोल्फ गैंगजर हैं जो कि जर्मन लिटरेरी क्रिटिक थे स्कॉलर इन दोनों के कुछ वर्क्स हैं जो हम इसे डिस्कस करेंगे तो वोल्फ गैंगर का एक वर्क था सी इन डिटरमसी एंड द रीडर्स रिस्पॉन्स इन द प्रोज फिक्शन इन डिटर्मियंसी मतलब कि डिट डिटन होता है कि, कि किसी चीज़ का एक फिक्स मीनिंग है वो चीज़ निश्चित होगी लेकिन अगर हम उसमें इन लगा देते हैं मतलब कि वो अनिश्चित है उसकी कोई फिक्स मीनिंग नहीं है और इसमें उन्होंने कहा कि रीडर रिस्पॉन्स की किसी प्रोज में उसका क्या रोल है रीडर्स के रिस्पॉन्स का प्रोज फिक्शन में तो ये जो इनका वर्क है ये डील करता है कि जो रीडर और लिटरेरी टेक्स्ट का जो रिलेशनशिप होता है एक साथ उसके ऊपर डील करता है अजर ने इसके लिए कहा कि किसी भी एक टेक्स्ट का एक मीनिंग जो कि टेक्स्ट में नहीं होता है बल्कि रीडर और टेक्स्ट के बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसमें छुपा होता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो इन्होंने कहा कि उस टेक्ट जब तक कोई रीडर किसी टेक्स्ट को नहीं पढ़ता है जैसे कि आप कोई भी बुक उठा लो तो उस बुक का उस टेक्स्ट का उस नावल का या फिर इंडिविजुअल उस पीस ऑफ वर्क का कोई मतलब नहीं है उसमें कोई मीनिंग नहीं है तब तक नहीं है जब तक कि कोई रीडर उस बुक को नहीं पढ़ लेता है तो जो मीनिंग है वो रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है कि जो रीडर है और जो टेक्स्ट है उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है अगर रीडर का माइंड सेट उस टाइम पे अच्छा है तो मे बी टेक्स्ट टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो अलग होगा लेकिन अगर माइंड रीडर का माइंड फ्रस्ट्रेटेड है तो टेक्स्ट का मीनिंग में भी कुछ और हो तो जो मीनिंग है वो टोटली totally डिपेंड करता है इन दोनों के रिलेशन पे जो रीडर है और जो टेक्स्ट है उन दोनों के रिलेशन पे ये इजर ने अपने इस वर्क में बोला था जो कि 1971 में पब्लिश हुआ था इजर ने अपने इस वर्क की ओपनिंग में ये क्लेम किया है कि जो इंटरप्रिटेशन होते हैं या फिर कि जो ये जो इंटरप्रिटेशन की जो चीज़ है ये बहुत ही सस्पिशियस चीज रही है हमेशा से प्रोज फिक्शन के लिए कुछ लोगों का मानना था कि जो मीनिंग होती है टेक्स्ट में जो मीनिंग होती है वो हमेशा ही छुपी होती है और ये वेट करती है कि रीडर उसे पढ़े और ढूंढे ये ऐसा लोगों का मानना था कि एक मीनिंग तो छुपा हुआ है और वो वेट करता है कि कोई उसे पढ़े और वो मीनिंग बाहर निकल कर आए लेकिन जो इजर थे उन्होंने इस चीज़ में आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट किया कि इससे रिलेटेड इनकी मेन प्रॉब्लम यही थी कि जो परसेप्शन बना आ रहा है कि एक रीडर एक थे, कोई भी एक टेक्स्ट है उसमें एक मीनिंग है वो छुपा हुआ है वेट कर रहा है कि कोई आए और उस मीनिंग को बाहर निकाले तो इन्होंने कहा ये इनवेलिड एजम्पन है ये बहुत गलत है इनवैलिड क्यों क्योंकि कोई भी टेक्स्ट है उसका एक फिक्स मीनिंग नहीं होता है जो वेट करे कि कोई आए और उस मीनिंग को बाहर निकाले बल्कि इसमें बहुत सारी मीनिंग्स हो सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मीनिंग होगा तो इन्होंने कहा कि जो रीडिंग है ये एक एक्शन की तरह तरह होता है रीडिंग का जो प्रोसेस है एक्शन एक्शन है और इसमें जो एक्टर है वो रीडर्स होते हैं और जो रीडर हैं वो एक इंडिविजुअल हैं एक एक्टर है वो इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट है उसकी तो जब रीडर टेक्स्ट पढ़ेगा और अपने रिएक्शन देता है जो कि हर एक इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव से होता है सबके अलग होते हैं मे भी किसी का किसी की टेंडेंसी अलग हो रीडर की किसी के एक्सपीरियंस अलग हो किसी की नॉलेज अलग हो तो ये हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होते हैं सभी रीडर के रिएक्शंस। अब इन्होंने आगे कहा है कि सेकेंड पॉइंट पे इन्होंने जिसमें आर्ग्यूमेंट किया है वो है कि जो भी प्रोज फिक्शन होता है वो कभी भी पूरे तरीके से नहीं समझा जा सकता उसकी डिफाइन उसकी डेफिनेशन नहीं की जा सकती है किसी भी प्रोज फिक्शन की एक होता है पोइट्री और एक होता है प्रोज तो उसका इन्होंने रीज़न दिया है कि कोई भी प्रोज फिक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है या फिर डिफाइन नहीं कर सकते क्यों तो उसका इन्होंने रीज़न दिया है क्योंकि जो उसमें ऑब्जेक्ट है किसी भी प्रोज फिक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इस मैनर में प्रेजेंट किया जाता है कि उसको छोड़कर और भी बहुत सारे वेज हैं उस चीज को समझने के लिए कि किसी किसी इंसिडेंट को एक तरीके से दिखाया गया है लेकिन वो रीडर्स पे डिपेंड करता है कि वो उस इवेंट को और भी बहुत सारे तरीकों से समझ सकते हैं सिर्फ एक ही वे नहीं होता है तो ये जो रीडर का एक रिस्पांस होता है इनका एक माइंड है कि उन्हें इस गैप को फिल करना है जो ऑथर ने क्या दिखाया है और वो क्या समझ रहे हैं तो ये जो गैप है वो इसको फिल करते हैं रीडर्स वो उनकी अपने पर्सनल प्रेफरेंस होती है उनकी टेंडेंसी होती है उसके हिसाब से वो अपनी इसको फिल करते हैं जो उनके गैप होते हैं रीडिंग के टाइम पे तो इन्होंने कहा कि ये जो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है ट्वेंटी सेंचुरी की ये बहुत ही ज्यादा अनडिटरमाइंड है ये सबसे ज्यादा जितनी भी थ्योरीज थी उन सबसे ज्यादा अनडिटरमाइंड है फिक्स नहीं है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा रीडर्स को इन्वॉल्व करता है इवोक करता है कि बहुत सारे रीडर्स आए इसमें पार्टिसिपेट करें जितने अलग अलग रीडर्स आएंगे अलग अलग टर्म में मीनिंग्स निकलेंगे तो ये कहते हैं कि ये जो ट्वेंटी सेंचुरी की ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी थी ये एटीन और नाइनटीन्थ सेंचुरी से बहुत अलग थी और जो फिक्शन है प्रोज फिक्शन है इन्होंने कहा जो प्रोज फिक्शन है इसमें ये नहीं है कि वो क्या बोल रहा है इसके फार फार ये भी देखना है कि वो क्या नहीं बोल रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया वेटिंग फॉर गोडूड का एग्जांपल कि उसमें क्या दिखाया गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वो क्या नहीं दिखा रहा है वो चीज़ जो साथ में चल रही है रीडिंग के टाइम पे तो उस चीज़ का भी इम्पोर्टेंस है इसमें जहाँ पे रीडिंग जहाँ पे जो रीडर्स है उनका काम स्टार्ट हो जाता है कि एज अ पार्टनर वो मीनिंग क्रिएट करने लग जाए जहां पर गैप है जहाँ पर रीडर वो चीज़ नहीं बताना चाहता है तो वहां पर वो अपनी कुछ अपने एजम्शन से अपने प्रेफरेंस से उस गैप को फिल करें और नेक्स्ट क्रिटिक है स्टैंडली फिश जो कि अमेरिकन थ्योरिस्ट उनका जो वर्क है इंटरप्रिटिंग द वेरियोरम ये वेरूरम का मतलब होता है बहुत सारे बहुत सारे एडिटर्स के नोट्स कुछ नोट्स जिन्हें बनाया जाता है नोट्स लिखे जाते हैं बहुत सारे एडिटर्स के हिसाब से उनके वर्क को देख के तो फिश का ये बिलीव था कि जो इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट ये डिपेंड करता है टोटली रीडर्स पर और ऑथर पर ही सबसे कम इफेक्ट करता है इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो रीडर पे होती है ना कि ऑथर पर ऑथर पर होती है लेकिन बहुत थोड़ी सी तो इस ऐसे को उन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है और इन्होंने अपने रीडर्स को एड्रेस करते हुए बताया है कि वो जो इस ऐसे को लिख रहे हैं वो किस वे में लिख रहे हैं उस चीज के लिए सेकंड पार्ट में इन्होंने सब दिया है सेकंड पार्ट का द केस फॉर रीडर रिस्पॉन्स एनालिसिस इसमें इन्होंने बताया है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडर्स व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट कि कोई भी रीडर है उसका पर्टिकुलर टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसका व्यू क्या है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस थ्योरी में थर्ड पार्ट में इन्होंने इसको सब टाइटल दिया है अन डूइंग द केस फॉर रीडर रिस्पॉन्स एनालिसिस कि किसी भी पीस ऑफ वर्क कोई भी पीस ऑफ वर्क है एक टेक्स्ट है जो ऑथर है ऑथर का एक इंटेंडेड मीनिंग होता है रीडर अपनी मर्जी से उसे इंटरप्रेट करता है ऑथर के टाइम पे उसने क्या सोच के लिखा था वो मैटर नहीं करता है जैसे कि कोई ऑथर कोई वर्क को लिखता है उसने कुछ और सोच के उस चीज़ को लिखा होगा उसके माइंड में उस टाइम पे कोई और चीज़ रही होगी कि वो इस लाइन से कुछ और बताना चाहता है लेकिन अब यहाँ पर रीडर है रीडर अपनी मर्जी से उस इवेंट को इंटरप्रेट करता है उसकी व्याख्या करता है ना कि ऑथर के माइंड को सोच कर कि उसने क्या सोच कर लिखा होगा और फोर्थ जो पार्ट है उसका सब टाइटल है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज इसमें इन्होंने डिस्कस किया है डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग अ पीस ऑफ वर्क कि कैसे एक ही रीडर दो सिमिलर टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी वर्क को इंटरप्रेट कर रही हूँ व्याख्या कर रही हूँ एनालाइज कर रही हूँ लेकिन दो टेक्स्ट मेरे पास हैं और दोनों टेक्स्ट सिमिलर हैं उनका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सबको सेम है लेकिन मैं उन दोनों टेक्स्ट को सिमिलर टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकती हूँ ये एक रीडर पर डिपेंड करता है रीडर के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है तो जो ये लास्ट वाला फोर्थ पॉइंट है इसमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये डिपेंड करता है कि रीडर का स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस टाइम पे मे बी अगर मैं अगर मैं बात करूँ किसी भी नावल की तो अगर मैंने उस उस नावल को उस वर्क को पढ़ा जब मैं थोड़ी छोटी थी तो उस टाइम पे मेरा माइंडसेट अलग था जब मैं उसे पढ़ रही थी लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को थोड़ी देर बाद पढ़ती हूँ या फिर कुछ सालों बाद पढ़ती हूँ तो मैं उसको अलग तरीके से पढ़ूँगी तो इन्होंने कहा कि जो रीडर के रिस्पॉन्स हैं ये डिपेंड करते हैं कल्चरल बैकग्राउंड से कि हमारा कल्चर क्या है अगर हम एज अ इंडियन किसी वर्क को एनालाइज कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं तो फिर हम इंडियन एस्थेटिक के हिसाब से उस चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे अगर हम मैरिज कहीं पे देख रहे हैं तो हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से उसे रिव्यू करेंगे उसके बारे में लिखेंगे उसके बारे में बताएंगे और इसमें बोल रखा है कि रीडर का जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करते हैं कल्चर बैकग्राउंड पर और अपब्रिंगिंग पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो भाई बहन हैं और आप एक बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों के जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी सिमिलर हों क्योंकि आप दोनों की अपब्रिंगिंग सेम हुई है सेम घर में आप दोनों को पाला गया है तो आप दोनों के जो घर का माहौल है वो सेम है कल्चरल बैकग्राउंड सेम है कि आप एक ही घर से हैं एक ही स्टेट एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो रिस्पॉन्स होकर थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं तो ये जो सेम कल्चर बैकग्राउंड है और जो अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो टेक्स है वो काफी सिमिलर हो सकता है और इसे इन्होंने कहा था इंटरप्रेटिव कम्युनिटी जैसे कि अब मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ और मैंने दो साल पहले वो बुक पढ़ी थी और मैं आज दो साल बाद उस बुक को पढ़ रही हूँ दो साल बाद पहले जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उस टाइम पे मे बी मैंने उस बुक में लव स्टोरी देखी होगी कि मैंने कुछ कैरेक्टर्स देख लें मैंने उनकी लव स्टोरी पर फोकस किया वो मेरा उस टाइम पे रिस्पॉन्स था एज अ रीडर मैंने उस टाइम पे क्या सोचा मैंने उस टाइम पे उसमें से क्या मीनिंग निकाली उस टाइम पे पढ़ते तो मेरा माइंड सेट क्या था लेकिन दो साल बाद आज अगर मैं उस बुक को पढ़ूंगी तो मे बी आज मैं वहाँ पे कल्चर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करूँ मैं उसमें से मीनिंग निकालूँ कि लव स्टोरी तो सिर्फ एक मोटिव है एक पर है किसी और चीज़ को दिखाने के लिए मे बी किसी वॉर को दिखाया जा रहा हो या फिर किसी स्टेट की इमरजेंसी को दिखाया जा रहा हो कि अगर वो नहीं मिल पा रहे तो मतलब स्टेट में कोई इमरजेंसी चल रही होगी या फिर कुछ वॉर का सीजन होगा तो वो अलग अलग माइंड के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से किसी भी वर्क का मतलब चेंज हो जाता है and i really hope that you like the video and if you like the video then make sure that you hit the like button and do subscribe my channel Thanks.